गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जीवन सर आज आपके लिए मैथ का एक चैप्टर लेके आया हूँ और जिस चैप्टर का नाम है विभाजिता का नियम। आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे हम किसी संख्या को देखकर यह पता लगा लें कि वह संख्या दो से विभाजित होगी या तीन से विभाजित होगी या चार से या पाँच से या सो ऑन आगे इनसे विभाजित होगी। इनकी बारीकियों को आज हम इस वीडियो में समझेंगे और उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभकारी हो। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नियम है दो से विभाजिता का नियम। कैसे हम जानें कि ये जो संख्या दिया गया है वह दो से विभाजित होगी या नहीं होगी। चलिए देखते हैं, इसके समझते हैं कि कैसे हम समझते हैं। पहला है कि यदि इकाई के स्थान पर, इकाई दहाई सैकड़ा, ये नंबर सिस्टम पर हमने पिछला वीडियो बनाया था, आप उसे देखें, उसका भी लाभ उठाएं। तो हमको पता है जो पहला डिजिट होता है वह होता है इकाई। यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक भी हो, क्या 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक भी हो, सारे नहीं होने चाहिए, कोई भी एक हो, तो यह संख्या दो से पूरी विभाजित हो जाएगी। उम्मीद है यह समझ में आया होगा। यदि आप कहीं भी वीडियो के दौरान समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इस पर ज़्यादा चर्चा आगे करेंगे। अगला है तीन से विभाजिता का नियम। यदि कोई संख्या दी गई है, हम कैसे जानें कि वह संख्या तीन से पूरी विभाजित होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो संख्या दी गई है उसके दिए गए सारे अंकों को जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद हम देखते हैं कि वो जो योग आया, जितना भी जो योग आया, अगर वह तीन से पूरी विभाजित हो जाती है तो संख्या भी पूरी विभाजित होगी। अभी हम उदाहरण से सारे को एक एक करके समझेंगे, पहले हम थ्योरी दे लेते हैं, आगे चलते हैं। अगला है चार से विभाजिता का नियम। अब ये समझना होगा कि जो हमारे हमको संख्या दी गई है वो चार से कटती है या नहीं कटती पूरी, तो हम क्या करेंगे, उसको उस संख्या के इकाई और दहाई दोनों को एक साथ देखेंगे। तो मान लीजिए इकाई और दहाई का अंक, जैसे 24, दो अंक लिए, चार इकाई हो गया, दो दहाई हो गया, तो 24 यानी लास्ट का दो अंक यदि चार से विभाज्य है तो वह संख्या पूरी चार से विभाजित होगी। और इसमें एक और बात होती है कि यदि किसी संख्या, बड़ी संख्या हो छोटी से, यदि किसी संख्या के अंत में दो शून्य हो, देखिए दो शून्य है ना, यदि किसी संख्या के अंत में दो शून्य हो तो वह संख्या चार से पूरी विभाजित हो जाएगी। अगला है पांच से विभाजिता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो या पाँच हो, जब हम फाइव का टेबल देखेंगे ना तो फाइव के टेबल में सिर्फ हमको दो ही अंक आते हैं लास्ट में, या तो फाइव आएगा या जीरो आएगा, कहाँ पर, इकाई के प्लेस पर। तो इसलिए यह संख्या जिसके अंत में यानी इकाई के स्थान पर जीरो हो या पाँच हो तो वह संख्या पाँच से पूरी विभाजित होगी। अगला है छह से विभाजिता का नियम। वैसी संख्या जो दो से भी विभाजित हो रही है और तीन से भी विभाजित हो रही है तो वह पूरी की पूरी संख्या छह से विभाजित होगी। अब इसे हम ट्रिक से समझेंगे। दो से विभाजित होने के लिए लास्ट में हम क्या देखेंगे इकाई स्थान पर, 0, 2, 4, 6, 8, यानी उसके लास्ट में कोई सम संख्या होनी चाहिए, ये सम संख्या है, और सम संख्या नहीं है, जीरो तो नहीं है लेकिन फिर भी हम 10 को मान के चलते हैं सम संख्या, तो लास्ट में अगर वो है और फिर उसको जोड़ भी लेते हैं, उसके अंकों को जोड़ भी लेते हैं और तीन से कट जाता है, एक तो हम देखते हैं कि इस लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए और जोड़ने पर वो तीन से भी कटता है तो यह पूरी की पूरी संख्या छः से विभाजित होगी। सात का नियम नहीं है, आठ का नियम है। जिस तरह हम चार में देखते हैं, जैसे शुरू करते हैं, दो में देखते हैं इकाई अंक और उसका डबल कर दिया तो कितना हो गया, चार, तो चार में देखते हैं कितना, इकाई और दहाई, सैकड़ा में क्या देखेंगे, इकाई दहाई और सैकड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यदि आठ का बता रहे थे हम, इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पर
तीन अंक लेते हैं, लास्ट से पीछे से तीन अंक। अगर तीन अंक आठ से एक कट रहा है तो पूरी पूरी किस पूरी संख्या आठ से विभाजित हो जाएगी, और अगर लास्ट में तीन जीरो भी हो तो वह संख्या जीरो से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अगला है नौ से। जिस प्रकार तीन का नियम है उसी प्रकार नौ का नियम है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग आपस में जोड़ने पर यदि अंकों का योग नौ से कट रहा है तो वह संख्या पूरी की पूरी संख्या नौ से विभाजित हो जाएगी। अगला है दस से विभाजिता का नियम। तो दस का टेबल में हमको आप पढ़ के देखें, हम भी जैसे 10 1 10 10 2 20, तो यानी लास्ट में सिर्फ जीरो ही बचता है। तो वैसे संख्या जिसके अंत में यानी इकाई के प्लेस पर जीरो हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। अगला है 11 से विभाजिता के नियम। सम और विषम स्थान के, ये क्या है सम और विषम स्थान के, यदि हम पहला अंक लिए हैं मतलब इकाई लिए तो दहाई को छोड़ देंगे, फिर सैकड़ा लिए तो हजार को छोड़ देंगे, यानी एक एक छोड़ छोड़ करके हम जोड़ते हैं, यानी सम वाले को पहले जोड़ लेते हैं फिर विषम वाले को जोड़ लेते हैं, अब दोनों को घटाते हैं, यदि घटाने पर शून्य आ जाए या 11 आ जाए यानी 11 आ जाए तो वह संख्या पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। तो आप इसे नोट डाउन करें। अब हम इसको इरेज करके एक एक को उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए एक एक करके उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला, जैसा कि हम जानते हैं कि इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक हो, चलिए देखते हैं 2, 5, 7, 3, 0। तो आप देखिए इकाई के प्लेस को, सिर्फ इकाई के प्लेस को देखिए, यहाँ पर 0 है, इसका मतलब है कि यह संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अगर आपको जरा सा भी शंका हो तो आप खुद से करके घर में देखिए इसको 2 से डिवाइड करके होता है कि नहीं होता है। अगर इसके स्थान पर 1 हो तो यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, अगर 2 हो तो हो जाएगी, 3 विभाजित नहीं होगी, 4 हो जाएगी, 5 रहेगा तो नहीं होगी, अगर इकाई स्थान पर 6 हो तो विभाजित होगी, 7 हो तो नहीं होगी, 8 हो तो हो जाएगी, किससे 2 से विभाजित, और अगर 0 भी हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब हम चेक करेंगे कि इसी नंबर को ले लेते हैं, चलिए 0 हटा देते हैं या 0 ले भी लेते हैं तो क्या होता है देखते हैं, क्या यह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो इसके लिए हमने बताया, अभी थोड़ा देर पहले चर्चा किया कि उसके अंकों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद हम देखेंगे क्या 3 से वह संख्या जो योग आया वो 3 से कट रहा है। चलिए जोड़ते हैं 2 + 5 + 7 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 0, देखते हैं 2 और 5 हो गया 7। अब जोड़ने का भी देखिए एक ट्रिक है इसमें, जोड़ने का ट्रिक, आप आपको 10 पुराना है तो कहीं से पुराइए, देखिए 3 और ये हो गया 10 हुआ, 10 लिख लिए, फिर आप देखिए 5 और 5 10 हो गया, अब इसको देखिए 6 और 4 ये भी 10 हो गया, 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, अब हमारा 7 और 0 बचता है तो कितना होता है 7। फिर से इसको जोड़ के देख लेते हैं, ये कुछ ट्रिक्स हैं जिसे आप आजमाकर आसानी से जोड़ सकते हैं। तो हो गया 10, 20, 30, 40 और 47, हमारा कितना आया 47। तो 47, अब हमको अगर यहाँ पर कुछ बड़ी संख्या आ जाए तो फिर उसको जोड़ देंगे, एकदम एक डिजिट में ले आना है तो 7 और फिर 4 को जोड़ते हैं, कितना हो गया 7 + 4 या 4 + 4 + 7, तो कितना हो गया 11 हो गया। तो क्या 11 जो आया वो भी 2 अंक आया, देखिए तो हम इसको फिर से जोड़ सकते हैं 1 + 1 यानी कितना हो गया 2। तो क्या 2 जो है 3 से विभाजित है, नहीं है, इसका मतलब यह जो बड़ी से बड़ी संख्या दिख रहा है हमको वो 3 से विभाजित नहीं होगा। ये जो बड़ी संख्या दिख रहा है ना, बड़ी से तो बड़ी नहीं है लेकिन बड़ी तो है ना। अब देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे, अगर हम बनाएंगे इतना जोड़ जोड़ करके तो किसी के दिमाग में क्यों ना हम डायरेक्ट भाग दे दें, इतना क्यों ना करें हम,
हम क्यों जोड़ने जाएं इतना इतना, हम यहाँ क्या करेंगे, हम मुंह से ही जोड़ लेंगे। दो पाँच सात हो गया, सात सात चौदह, चौदह तीन सत्रह, सत्रह चार इक्कीस, इक्कीस और पाँच छब्बीस, छब्बीस छः बत्तीस, बत्तीस सात थर्टी नाइन यानी उनचालीस, उनचालीस और आठ सैंतालीस, सैंतालीस और जीरो सैंतालीस, सैंतालीस भी देख सकते हैं हम कि थ्री के टेबल में है कि नहीं, तो नहीं है थ्री के टेबल में। या सैंतालीस को फिर जोड़े सात चार ग्यारह, ग्यारह को देखेंगे थ्री के टेबल में है क्या, नहीं है। फिर भी नहीं समझ में, फिर जोड़ लिए हम, तो फिर जोड़ के कितना किया, वन वन टू हो गया, यानी थ्री के टेबल में ये नहीं है। तो अब हम ऐसा उदाहरण एक लेंगे जो थ्री के टेबल में हो। जरा इसको देखिए, अभी इसी का बता रहे हैं, टू प्लस फाइव प्लस थ्री और आठ, ठीक है। अब इसको देखिए, अब तो अगर इसका संख्या होगा तो क्या होगा, टू फाइव थ्री एट। तो हम पहले इधर जोड़ लिए, कोई बात नहीं, अब समझ लीजिए इसको पहले दिया रहेगा, बाद में इसको करना है। तो हम जोड़ेंगे दो पाँच सात, सात तीन दस और आठ अट्ठारह। तो अट्ठारह क्या थ्री के टेबल में है, तो बिल्कुल है, यानी यह संख्या टू फाइव थ्री एट थ्री से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब अगला देखते हैं, फोर से विभाज्यता के नियम। तो इसके नियम में क्या बताया गया, अंतिम दो अंक देखना है। तो चलिए इसी डिजिट को देखते हैं, इसी बड़े वाले को देखते हैं। तो अंतिम दो अंक देखिए 80, तो 80 क्या फोर से नहीं कटता है, बिल्कुल कटता है। 20 का चार बार पढ़ा पड़ेंगे, 24 जा 80। तो ये अगर अंतिम दो अंक कट रहा है चार से, तो वह संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी चार से। तो कौन सी संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, हम एक उदाहरण के तौर पे लिए हैं। अगर इसके अंत में दो जीरो भी हो, अगर दो जीरो भी हो, तो वह भी संख्या चार से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। पांच का लेते हैं, तो पांच के टेबल में आप देखिए कि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर पांच हो या शून्य हो, ऐसा क्यों हुआ उसको भी देखते हैं। फाइव का टेबल आप देख लीजिए, आप देखते हैं एक थोड़ा सा उदाहरण, पूरा लिखना जरूरी नहीं है, आप इतना में ही समझ जाएंगे कि फाइव के टेबल में या तो फाइव आ रहा है या जीरो आ रहा है, फिर फाइव आ रहा है फिर जीरो आ रहा है। इसका मतलब है किसी संख्या के अंत में अगर जीरो हो और उस अगर जीरो ना हो तो पाँच हो, तो वह पूरी संख्या पूरी पूरी पाँच से विभाजित हो जाएगी। तो आप ये बताएं कि इसके अंत में जीरो है तो क्यों ना वो पाँच से विभाजित होगी, वो पाँच से भी विभाजित हो जाएगी। आगे बढ़ते छः से, छः में हमने कहा कि संख्या की लास्ट में यानी इवन नंबर होना चाहिए और जोड़ने पर भी कटना चाहिए। चलिए देखते हैं एक उदाहरण के साथ, इसी को ले लेते हैं 2538। देखिए लास्ट में क्या है, दो से कटने वाला, आठ आ गया, आया कि ना आया, तो दो से भी कट रहा है और अभी थोड़ा देर पहले हम देखें जोड़ करके कि ये थ्री से भी कट रहा है, यानी यह संख्या दो से भी कटेगी और तीन से भी कटेगी। अगला देखते हैं आठ से विभाज्यता के नियम, यदि किसी संख्या का अंतिम तीन अक्षर, तो जरा इसको देखिए अंतिम तीन अक्षर है कि नहीं, अंतिम तीन अक्षर यहां कुछ भी ले लेते हैं 753, अंतिम तीन अक्षर आठ से कटना चाहिए। देखिए आठ से कटेगा ना कि 100 बार में कट जाएगा ये, तो आठ से भी कट गया और अगर आठ से कटे और लास्ट में तीन जीरो भी हो, तो वो भी संख्या आठ से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। क्या नियम बताएं, अंतिम कितना, अंतिम तीन अंक आठ से कटना चाहिए और उसके इकाई दाई और सैकड़ा के स्थान पर तीन जीरो होना चाहिए, एक एक करके इकाई दाई और सैकड़ा, यानी तीन जीरो अगर है तो वह संख्या आठ से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब है नौ से, नौ का नियम जो है बिल्कुल तीन की तरह है, यदि दिया गया संख्या नौ से कट जाए, उसके अंकों का योग, यानी जो संख्या दिया गया है उसके अंकों का योग अगर नौ से कट जाए, एक उदाहरण लेते हैं, दो तीन पाँच कितना हो गया, पाँच पाँच दस और नौ उन्नीस, उन्नीस और दो कितना हो गया बीस, इक्कीस, इक्कीस और छः ले लेते हैं। देखिए इसके अंकों का योग कितना हो गया, अंकों का योग हो गया 27। तो इसके अंकों का अगर योग कर दें हम और वो 27 यानी कि 27 ना उसका टेबल में आ जाए, नाइन का टेबल में आ जाए, तो वह संख्या 9 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ये बड़ा इजी है, 10 का तो तुरंत हो जाएगा, किसी संख्या के इकाई स्थान पर जीरो हो, तो आप 10 का टेबल पढ़ के देखिए, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 यानी जीरो ही जीरो आ रहा है।
यदि इकाई के स्थान पर एक भी जीरो हो तो वह संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। यानी हम कुछ भी ले लेंगे, लिख लेंगे 6, 8, 9, 7 और लास्ट में अगर जीरो है तो यह संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब अगला नियम है 11 का। 11 के नियम को हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो 11 का नियम क्या कहता है कि इकाई के अंकों का योग, चलिए हम एक ले लेते हैं 7, 8, 6, 5, 4, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5। अब हमने कहा कि ऑड इवन नंबर के अंकों का योग करना है, यानी सम स्थान पर और विषम स्थान पर। देखते हैं, अगर हम इसको मानते हैं विषम तो एक छोड़ छोड़ करके हम जोड़ेंगे। देखिए ऐसा कुछ इस प्रकार, देख रहे हैं। अब इसमें हम जोड़ेंगे 5 + 3 + 1 + 3 + 5। देखिए इसके अंकों का योग अभी क्या लिए थे, ऑड स्थान पर। अब हम क्या करेंगे, इवन स्थान वाला लेंगे। तो इवन में कौन कौन बच गया हमारा, 4 + 2 + 2 + 4। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे और फिर हम इसका करेंगे अंतर, यानी इसको करेंगे घटाओ। तो जोड़ते हैं 5 और 3 कितने हो गए, 5 + 3 = 8 और 1 = 9, 9 और 3 = 12, 5 = 17 कितना हुआ 17। अब देखते हैं 4 और 2 = 6, 6 और 2 = 8 और 4 = 12। जरा इसको देखिए, है ना, 5 + 3 = 8, 1 = 9, 3 = 12, 5 = 17। फिर से मिला लेते हैं, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है ना। 1 लिए 1 छोड़े, फिर लिए छोड़े, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अंतर कितना आ गया, 5। यानी अंतर कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, तभी यह संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो एक उदाहरण और लेते हैं जिसमें यह हो जाए। तो चलिए लेते हैं 9, 2, 11 और 3, 14 और इधर लेते हैं 7 और 5 और 2। अब देखते हैं इसको करके, तो 9 + 2 + 5 3 होगा। एक इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, छोड़ छोड़ के लेना है, और इधर लेंगे 7 + 5 + 2। अब जोड़िए 9 + 2 = 11 + 3 = 14। इधर देखते हैं 7 + 5 = 12 + 2 = 14। यानी इसको घटाने पर कितना आ गया, 0। अगर घटाने पर 0 आए चाहे 11 आए तो वह संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो सकेगी। यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभकारी आए, आप अपने एग्जाम में सक्सेस हो सकें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे, आप दोस्तों को बताना चाहें तो इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।